आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब डो रोल आउट कर रहे हो तो एक तरफ से पतला रह जाए और एक तरफ से मोटा रह जाए और बाद में इस चीज़ का एहसास हो, लाइक आफ्टर यू हैव कट योर बिस्किट्स और आफ्टर यू हैव लाइक रोल्ड आउट द फोंडेंट की चादर पूरी टू कवर द केक और फिर केक पे डालने के बाद एहसास हो कि ओ ये तो पतला है और ये मोटा है? ऐसा हुआ है? बिकॉज मेरे साथ ऐसा होता रहता है. एंड उसका एक बहुत अच्छा सा हल है होम स्टूडियो के पास और वो है ये है जी डो रॉड्स. और इसका मैं बताती हूँ आपको कि हम इनके साथ कैसे इस चीज़ का हल कर सकते हैं. ये मुख्तलिफ रॉड्स हैं मुख्तलिफ थिकनेस की, इफ़ यू कैन सी, कुछ पतली है, कुछ मोटी है, कुछ मीडियम से है. तो हम करेंगे क्या, किस तरह से इनको यूज़ करेंगे कि ये दो हमने रख दिए काउंटर के ऊपर और डो आ जाएगा इनके बीच में और उसके ऊपर हम रोलिंग पिन के साथ उसको डो को स्मूद आउट कर देंगे जैसे हम करते हैं, ठीक है. लेकिन इनका कमाल ये है कि इससे ज़्यादा पतला नहीं होगा, जितनी इनकी थिकनेस है ना ये इतना ही रहेगा, चाहे ये वाला हो चाहे ये मुन्ना सा पतला सा हो वो भी हो. सो ये बड़ी अच्छी गाइड है. आई थिंक मोटे का तो चलो फिर भी बंदा कर सकता है लेकिन जो पतले वाला है ना ये बहुत इसेंशियल बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस विल सेव यू कि इतना पतला भी ना हो जाए कि बिल्कुल ही आप उठाने लगे तो फट जाए. तो आई रियली लाइक दिस. सो आई एम गोइंग टू मेक बिस्किट्स, शुगर बिस्किट्स विद माई न्यू डो रॉड्स. सबसे पहले सिफ्टेड फ्लावर में हम डालेंगे कास्टर्ड शुगर और रूम टेम्परेचर बटर. इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब हाथों की मदद से हम इसको एक डो बना लेंगे. थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए. And soon it will come together and form a nice dough. अब dough को at least half an hour के लिए fridge में रखते हैं. Now let's try a different size. ये rods थोड़ी thick है. As you can see, जितनी thickness rods की है dough की भी उतनी ही है. Bake the biscuits at 180 degrees centigrade for 10 to 12 minutes or till lightly golden brown.